अगर किसी इंसान का संकल्प स्पष्ट हो कि वह अपने साथ और अपने आसपास की दुनिया के साथ क्या करना चाहता है, तो यह उसकी क्षमताओं से परे नहीं है। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर मेरे इस YouTube चैनल जीत का जश्न में मैं आपका स्वागत करता हूँ। जब इंसान डीमोटिवेट होता है, या वह अंदर से टूट जाता है, अपमान सहता है, या वह अपनी कोई आदत से परेशान होता है, सफल होना चाहता है या कुछ बड़ा करना चाहता है, तब वह इंसान अपने आप से कुछ संकल्प लेता है। वैसे तो इंसान बहुत से संकल्प लेते हैं, परंतु इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे संकल्प बताने जा रहा हूँ जो आपको इस नए साल के मौके पे लेने हैं। जी हाँ, यह 5 संकल्प आपकी इस नए साल को बनाएंगे बेमिसाल। आपने सही सुना, इस नए साल को अगर बेमिसाल बनाना है तो वीडियो के अंत तक बने रहें। याद रखना, जिसने कहा कल वक्त गया टल, जिसने कहा परसों बीत गए वर्षों, और जिसने कहा आज वही करेगा सब पे राज। पहला संकल्प जो आप अपने आप से ले सकते हैं, 3 ऐसी चीजें जो बनाएगी आपको शानदार इंसान। जी हाँ फ्रेंड्स, हम सब शानदार इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं, हम सब शानदार इंसान बन भी सकते हैं। ऐसा करने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता सिवाय खुद के। आपको शानदार इंसान बनना है, हर किसी व्यक्ति को शानदार इंसान बनना है, हर कोई व्यक्ति शानदार इंसान बनना चाहता है। इसके लिए एक सरल प्रक्रिया अपनाएं, ऐसी 3 चीजें लिखें जो आपके अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को शानदार इंसान बनाती है, फिर उन्हें अपने जीवन की एक सच्चाई बनाएं और उसे अपने ऊपर अप्लाई करें। वह 3 चीजें जो आपने किसी अन्य व्यक्ति को सफल बनाने के लिए लिखी थी, वही 3 चीजें आपको सफल बनाएगी। याद रहे, आपको कोई ऐसा काम नहीं करना जो कोई अन्य व्यक्ति चाहता है, वो करें जो आप चाहते हैं, जो आपको सबसे ऊंचा लगता है। अगर वो नहीं करेंगे जो आप चाहते हैं तो आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। दूसरा संकल्प जो आपको लेना चाहिए, 3 अनजान लोगों को देख करके मुस्कुराएंगे। सुनिश्चित करें कि आप कम से कम 3 अनजान लोगों को देख करके मुस्कुराएंगे। बस उन्हें एक सिंपल सी मुस्कान दे, एक साधारण सी मुस्कान दे। कृपया ऐसा करें और अपने आसपास की दुनिया में कुछ रोशनी फैलाएं। ध्यान रखें, मुस्कुराने का मतलब सिर्फ होठों से नहीं होता, आपको आंखों से भी मुस्कुराना सीखना होगा। इससे आप हमेशा खुश बने रहेंगे, आपके जानने और पहचानने वालों की संख्या डबल हो जाएगी, आपकी लिस्ट बड़ी होगी। तीसरा संकल्प, जीवन ऐसा जिए कि मरने के बाद भी आपकी कमी महसूस हो। हो सकता है आप एक बार में अपनी वो सारी सीमाएं, पूर्ण धारणाएं और बेफिजूल की बातें ना छोड़ पाए जिससे लोग आपसे परेशान होते हैं, पर आप कम से कम एक चीज छोड़कर नई शुरुआत कर सकते हैं। खुद में कुछ ऐसा बदलाव लाए कि लोग आपकी उपस्थिति पसंद करें, जहाँ आप पहुँचने वाले हैं वहाँ लोग आपका इंतजार करें, और जहाँ आप नहीं पहुँचने वाले वहाँ लोग आपकी कमी महसूस करें। जब तक जिंदा है दूसरे आपके साथ जीना चाहे, और जब मर भी जाए तो लोग आपकी कमी महसूस जरूर करें, लोग आपकी कमी महसूस जरूर करें। चौथा संकल्प जो आपको एक सार्थक जीवन जीना सिखाएगा, मृत्यु सिंहासन पर बैठे हर रात, हम सभी के लिए समय एक ही गति से खिसक रहा है। आप सोच सकते हैं, मैं फिल्म देखने के लिए गया, मैं खरीदारी करने के लिए गया, लेकिन जहाँ तक आपके शरीर का सवाल है, वह हर कदम और सांस के साथ आपकी चिता के पास जा रहा है, आपकी कब्र के पास दौड़ा चला जा रहा है। चाहे आप इस सत्य को माने या ना माने, ये शाश्वत सत्य है। क्या आप एक सार्थक जीवन जीना चाहते हैं, एक शानदार जिंदगी जीना चाहते हैं, तो उसके लिए एक सरल प्रक्रिया अपनाएं और उसका रोज अभ्यास करें। जब आप सोने की तैयारी कर रहे होते हैं, उससे ठीक पहले अपने पलंग पर बैठिए और सोचिए कि ये मेरी मृत्यु से यहाँ है, अब मेरे पास जीने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट और बचा है। पीछे मुड़कर देखिए कि आज मैंने जो भी काम किया है, क्या मेरे लिए उचित है, क्या वह सार्थक है, क्या मुझे वो करना चाहिए था, क्योंकि अब मैं मर रहा हूँ। अगर आप ऐसा रोज करते हैं तो आप एक शानदार और एक सार्थक जिंदगी जी पाएंगे। 5वां और अंतिम संकल्प, न बने ज्यादा गंभीर। अगर आप ये सोचने लगे हैं कि जो आप काम कर रहे हैं वही महत्वपूर्ण है, तो आपको गंभीरता से छुट्टी पर जाने की आवश्यकता है। जी हाँ, आपने सही सुना, आपको गंभीरता से छुट्टी पर जाने की जरूरत है। गंभीरता मूल रूप से आपके आत्म महत्व की भावना से पैदा हुई है। समझिए, इस अनंत ब्रह्मांड में आप एक धूल के कण जैसे हैं। इस अनंत सृष्टि में ये सौरमंडल एक छोटे से कण जैसा है। अगर कल को ये सौरमंडल गायब हो जाता है तो सृष्टि में इस पर ध्यान भी नहीं दिया जाएगा। इस छोटे से कण जैसे सौरमंडल में धरती ग्रह एक बहुत ही छोटा कण है। इस बहुत छोटे कण जैसे ग्रह में जिस शहर में आप रहते हैं वह एक सूक्ष्म कण है, उसमें आप एक बड़े आदमी हैं। यह दृष्टिकोण की गंभीर समस्या है। अपने जीवन में थोड़ी सहजता लाएं, थोड़ा ज़्यादा असे खुद को और अपने आसपास की दुनिया में शामिल करें। बहुत जरूरी है कि आप सरल काम करें।
पूरी दुनिया के स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक न होने का एक कारण यह है कि वे अपने जीवन को लेकर ज़्यादा गंभीर हैं। अगर वे थोड़ा सा आराम से रह सके, अगर वे थोड़ा जीवन आनंद से जी सके, अगर वे खुद पर हंस सके, तो वे खुद को और अपने आसपास की स्थिति को थोड़ी ज़्यादा स्पष्टता से देख पाएंगे। अगर आप में खुद के बारे में और आसपास की दुनिया के बारे में थोड़ा ज़्यादा स्पष्टता हो तो आप स्वाभाविक रूप से दुनिया में विजय पा सकते हैं, दुनिया में कोई भी काम करने में ज़्यादा सक्षम बन सकते हैं। ध्यान रखना, आपकी आने वाली जिंदगी एक सही सोच और एक गलत फैसले के बीच में टिकी हुई है। सोच ले आज क्या लेना है, गलत फैसला या सही सोच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।